नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भरद्वाज आज एक ऐसे अच्छे विषय पे बातचीत करने के लिए आया हूँ जिनकी शादी 2 दिन की मनाई जा रही है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जी की जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। मित्रों, दीपिका पादुकोण जी की जन्म कुंडली में एक बहुत अच्छा योग है और 40 के बाद ये निश्चित रूप से इनके ऊपर लागू भी होने की संभावनाएं हैं। दीपिका पादुकोण जी का राजनैतिक जीवन भी बन सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में राजनीति का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। दीपिका पादुकोण जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1986 और इनका टाइम है 10 बजे AM। इनका जन्मस्थान है डेनमार्क और इनकी कुंडली, इनका हेरोस्कोप देखते हैं तो मकर लग्न की जन्म कुंडली है। राजकीय कारोबार पे चंद्रमा, केतु और मंगल राजतंत्र से संबंध कर रहे हैं। राहु इनके चतुर्थ भाव में मेष राशि का होता हुआ, जैसे कि राहु के बारे में कहा गया कि मंगल की तरह राहु अपना कार्य करता है, केतु बृहस्पति की तरह अपना कार्य करता है, तो इनके यहाँ पे नंबर 4th भाव में बैठा हुआ राहु इनके 10th भाव को पूर्ण रूप से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा दीपिका पादुकोण 40 के आसपास जब पहुँचेंगी तो राजनीति में इनका पदार्पण निश्चित रूप से हो जाएगा। ये जो फिल्म जगत की सुपरस्टार होते हुए राजनैतिक स्थितियों में 2-4 हाथ जरूर करेंगी, ऐसा इनकी जन्म कुंडली में योग निश्चित रूप से बना हुआ है। ये योग फलीभूत भी निश्चित रूप से ही होगा। और अपने लोग यहाँ पे एक कुंडली और देखते हैं रणवीर सिंह जी की, क्योंकि इनकी भार्या हैं, राजनीति में जाएंगी तो इनके स्वामी खुश रहेंगे कि नहीं खुश रहेंगे, रणवीर सिंह की इच्छा इनको राजनीति में ले जाने की है कि नहीं है, ऐसा योग है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से रणवीर सिंह का अगर डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 6 जुलाई 1985 12 बजे मुंबई। इनके अगर जन्म कुंडली को देखते हैं तो कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में राजकीय कारोबार स्थान का मालिक जो होता है बुध है, और उस स्थान पे मंगल सूर्य दोनों राजतंत्र से संबंध करने वाले ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी पत्नी राजनीति में जाएंगी और ये इनका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो एक और आपको राजनेता मिलने वाला है, दीपिका पादुकोण जी भी राजनीति में अपना पैर रखने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं, केवल राहु की महादशा का इंतजार है। 40 वर्ष के बाद ये राजनीति में सफल राजनेत्री होने की संभावनाएं ज्योतिष के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूं। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए एस्ट्रो तक से आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।